जिले के ग्राम जामखो में दो आदिवासी की कुटीर की किस्त नहीं डाली गई है। 8 माह से परिवार खुले आसमान में रहने को मजबूर है। गर्मी और बरसात का सीजन बाहर ही बिताना पड़ा। जानकारी के अनुसार गजरा सिंह आदिवासी पुत्र सुरेश आदिवासी और लल्ली राम आदिवासी सुरेश आदिवासी निवासी ग्राम पंचायत जामखो ने बताया कि 8 माह पूर्व हमारी कच्ची कबैया को हमारी पंचायत जामखो के सहायक सचिव धर्मेंद्र धाकड़ और सचिव धर्मेंद्र चतुर्वेदी ने हमारी टपरिया मिटा दी और कहने लगे कि कुटीर मिलेगी। इसके बाद हमारा नाम कुटीर में आ गया, लेकिन कुटीर बनाने का भुगतान नहीं किया गया। इस कारण हमें पूरी बारिश खुले में काट दी। जब भी हम सहायक और सचिव से बात करते हैं तो वह टालते रहते हैं। जब हम लोगों ने कुटीर का फॉर्म भरा तब सहायक सचिव और सचिव ने कहा कि कुटीर के 2,39,000 रुपए आएंगे, मगर जब हमारा नाम कुटीर में आ गया तो सचिव ने कहा कि तुम्हारे 2 लाख रुपए आएंगे। आज जनसुनवाई में कलेक्टर से कुटीर की किस्त डलवाने और सीएओ और सचिव और सहायक सचिव पर कार्रवाई करने की मांग की है। लल्ली राम आदिवासी ग्राम पंचायत जामको का रहने वाला हूँ मैं, और मेरी समस्या ये है कि सहायक सरपंच सहायक सेक्रेटरी ने बोलकर दोनों ने सचिव ने ना सेक्रेटरी ने मेरे घर तोड़वा दिया। कल आपकी किस्त आ जाएगी, लेकिन कब तोड़वाया था घर? लगभग आज लगभग 9 से 8 महीने 8-9 महीने हो चुके हैं। पूरी सर्दी निकल गई दिसंबर में, तो फिर गर्मी भी निकल गई और बारिश भी निकल चुकी पूरी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। सीओ साहब के यहाँ भी हम 5-6 बार घूम चुके हैं, सीओ साहब के चक्कर काटे। सीओ साहब कल नहीं 4 दिन बाद 6 दिन बाद 7 दिन बाद आ जाएगी, लेकिन वो भी आज आए हम उनके पास, लेकिन आज भी कोई सुनवाई नहीं। आज वो जाके सॉरी फलाना ढकाना मेरे पास डल चुका है, लेकिन डल जाती तो हम फिर वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ऐसे कितने लोगों की कुटीर है करीब? अरे हम चार भाई को इतना तंग कर रहे हैं जी, हद से ज्यादा देता है धमकी देते हैं। तुम क्या कर लोगे? तुम मेरा एसटी बदलवा दो जी, वो फलान ढकान तुम नेतागिरी बताती हो तुम्हें दिखा। नेता होते तो इनके पीछे फिरते जी, हमारे पीछे। अगर हम नेता होते, पहले आपने कोई आवेदन दिया था? आवेदन दिया था, 4 बार उन्होंने देख लूंगा दो 4 दिन में। गुमराह कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। वो तो 1 साल हो चुकी है हमें पीछे फिरते फिरते, वो तो तसल्ली दे रहा है, बस और कुछ नहीं कर रहे हैं। 5 दिन में आ जाएगी, कहीं हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, 2 महीने बाहर पड़े हैं, खुले में आवाज कर रहे हैं। 1 साल से हमारी झोपड़ी तोड़वा दी, बिल्कुल खुले में रह रहे हैं। तीनों बच्चे मेरे बीमार हैं। हम अगर सेक्रेटरी साहब से सचिव से पूछते हैं कि हमारी किस्त क्या हुई है, तो वो बोलते हैं मेरे बच्चे की आंख खराब हो गई है, बाहर रहते 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 उसकी बीमार पड़ गई। कितने महीनों से बाहर रह रहे हैं? हम लगभग 9 से 10 महीने हो चले हैं। अच्छा, 9-10 महीने पहले तब से बाहर ही रह रहे हैं। अभी भी सीओ साहब बोलते हैं हो जाएगा, बस तसल्ली दे रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि 1 साल हो चुकी है। 1 साल से अगर कुछ करते तो आज शायद हमारी कुटीर बन जाती, वो इसलिए कोई मदद करना नहीं चाहता हमारी। इसलिए आज के बाद ना हम सीओ साहब के यहाँ भी नहीं आएंगे, किसी के पास नहीं जाएंगे। सचिव मिल गया तो उसे जरूर मारेंगे, कोई सी प्रशासन कोई भी हो, हमें जेल में रखे वहाँ पर रहेंगे हम, क्योंकि जब हमारे पास घर नहीं है तो हम जेल में रहने के लिए तैयार हैं। लेकिन सचिव को अगर हमने नहीं मारा तो एक बाप की औलाद नहीं जैसे दिया,